घनभेदी गर्जना का तौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब अनुमान था, वो पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। वो भारत के वीरों से रण के रणधीरों से रैपैनी शमशीरों से अगर टकराओगे तो मच्छर की तरह मियां रगड़ दिए जाओगे। पाकिस्तान के लिए हो रहा है कि भारत के वीरों से रण के रण धीरों से गोपैनी शमशीरों से अगर टकराओगे तो मच्छर की तरह मुल्ला जी रगड़ दिए जाओगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान वालों ने कुछ पैसे तरपाल वगैरह दिए थे। अफसोस अब हो रहा है, ये कुत्ते हमने ही पाले। अफसोस अब हो रहा है, ये कुत्ते हमने ही पाले। अरे अब तक रोटी के टुकड़े हमने ही इनको डाले। सबको पता है कि कुछ पैसे तरपाल वगैरह पाकिस्तान को दिए थे और अब इतना बढ़ चढ़ के बोलता है। अब सोच अब हो रहा है, वो कुत्ते हमने ही पाले। अब तक रोटी के टुकड़े अरे हमने ही इनको डाले। हम भारत के वीरों से रण के रण धीरों से हापैनी शमशीरों से अगर टकराओगे तो मच्छर की तरह मियां रगड़ दिए जाओगे। प्रधानमंत्री जिन्ना कहते कहते मर गया कि हमने कश्मीर अब लिया। चार दिन बाद ही सब लोग कहते हैं कि आप अब ले लेंगे सुहाना लाभ ले लेंगे। पाकिस्तानी जिन्ना कहता था, अब हिंदुस्तान के क्या कहते हैं कि तेरे बाप ने लिया, तेरी अम्मी ने लिया, बेटा बोला लिया। हिंदुस्तान के कहता है तुम सात जन्म तक भी नहीं ले पाओगे। भारत के वीरों से रण के रण धीरों से हापैनी शमशीरों से अगर टकराओगे तो मच्छर की तरह मुल्ला जी रगड़ दिए। बहुत बढ़िया।